चलो दो शब्द कहना तो मैं नहीं चाहता सी, आ गए ने हूँ इत तक आ गए ने, वापस करने औखे ने। एक दिन बाइबल का अध्ययन करदियां शंका रही मैनू काफ़ी दिन भी, जिस पैगंबर की इतनी वड्डी उम्मत है और जिसका इतना वड्डा प्रभाव है, सारी दुनिया नवा साल मनांदी पई है, कोई नवा साल नहीं है, हज़रत ईसा का जन्मदिन उहदे जन्म नाल संबंधित है। नवा साल नवे दिन तो आरंभ होंदा है ना, तो फिर नवा साल उसनू समझो जिस दिन दिन बनिया से, जिस दिन दिन बनिया से, जिस दिन दिन शुरू होया से। तो इहदा मतलब है ऐसा भी माहौल सी कि दिन नहीं सी, हाँ दिन नहीं सी, समा नहीं सी, वक्त नहीं सी, तो फिर की सी? गुरबाणी कहती है धुंद ही धुंद से, अरबद नरबद धुंदू कारा, धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रहन चंद ना सूरज सुनने सुन रहा, ना दिन सी ना रात सी। तो जिस वक्त हुण वक्त मैनू मजबूरी च कहना पै रहा है, वक्त नहीं सी, वक्त ते शुरू होंदा दिन नाल, वक्त ते शुरू होंदा रात नाल। ते जद दिन नहीं है तो रात नहीं है तो वक्त कित्थों? वक्त नूं किस तरह तुसी नापदे हो, समय नूं किस तरह नापदे हो? समय नूं नापण दा जिहड़ा पैमाना है, ये जिहड़ा आरंभ होया वो दिन रात तों। फिर मैं अर्ज करां, समय नूं नापण दा सब तो छोटा पैमाना ते सब तो वड्डा पैमाना, सब तो छोटा पैमाना एकदम एकदम, इसे नूं बाद च असी एक सैकेंड आख्या, एक पल आख्या, एक छिन आख्या, एक चित जै एक छिन दिया, एक छिन एक पल एक नेमक एक सैकेंड। एक सैकेंड कितना आंदा है, एक नेमक कितना आंदा है, एक छिन कितना आंदा है, एक दम जितना, एक दम गया, ये बस एक छिन, एक जो है सैकेंड। इस समय का छोटा भाग ते समय का फिर सब तो वड्डा भाग साल, इतने सैकेंड इतने छिन मिले, एक पल बने, इतने पल बने, एक पैर बने, इतने पैर बने, एक दिन बने, इतने दिन होए, एक महीना बने, इतने महीने होए, एक साल बने, फिर साल तो अगे गिणती नहीं है। समय नो नापण दा सब तो वड्डा पैमाना साल, समय नो नापण दा सब तो छोटा पैमाना दम एकदम, तोलण दा सब तो छोटा पैमाना रत्ती। भारत विच रतियां तो ये पैमाने तोलण दे शुरू होए, इतने रतियां दा एक मासा, इतने मासियां दा एक तोला, इतने तोलियां दी एक छटाक, इतने छटाकां दा एक पाइया, इतने पाइयां दा एक सेर, इतने सेरां दा एक मन। तोलण दा सब तो वड्डा पैमाना सी मन, तोलण दा सब तो छोटा पैमाना सी रत्ती। ऐ बेल आउंदी है, ये फल आउंदा है, दरख्तों चढ़िया हुई बेल आउंदियां ने, इधर जम्मू कश्मीर दे बड़िया, हिमाचल दे बहुत ने, इधर दा मैनू पता ने, ठंडे इलाके च आउंदियां। एक एक बेल नूं हज़ारां रत्तियां लगदियां ने, लाल रंग, रत्ती तो मुराद रत्ती हुई रंगी हुई लाल रंग। सारियां दा वजन एको ही होंदा है, अगर 5,000 रत्तियां लगियां ने एक बेल नो तोलोगे, सारियां दा वजन एक होंदा है। किसी भी दरख्त नूं 1,000 फल लगे ने, सारियां दा वजन एक नहीं होंदा, सारियां दा रंग भी एक नहीं होंदा, सारियां दा स्वाद भी एक नहीं होंदा, पर एक रत्ती है रंग भी एको,
आकार भी इतना ही, वजन भी इतना, और सब कौड़ियां ने, सब सब कौड़ियां, स्वाद भी इको, वजन भी इको, रंग भी इको, आकार भी इको, ये तोलन का पैमाना बनया। सब तो छोटा पैमाना की रति, सब तो वड्डा पैमाना की मन, मन समय दा सब तो छोटा पैमाना दम। ते जद मनुख ही नहीं सी तो फिर समा किथे, दम ही नहीं सी। ते जद दिन ही नहीं सी तो फिर समा किथे सी, समा नहीं सी। जिस दिन मैं कमा मजबूरी, क्योंकि दिन ते नहीं सी, जिस दिन समय दा जन्म होया, या इंज कमा दिन दे नाल जद समय दा जन्म होया, दिन दा जन्म होया, समय दा जन्म होया, वो दिन अगर असी याद करिए, वो नवा दिन है, नवा साल उतों शुरू होया। तो वो दिन किड़े दिन होया, दिन ते है ही नहीं सी, वो दिन किस वक्त होया, वक्त ते है ही नहीं सी। तो इस वास्ते गुरु नानक देव जी कहंदे ने, थित वार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई, जाकर ता सिरठी को सहजे आपे जाने सोई। तो फिर नवा साल मनाना गुस्ताखी माफ, कहंदे जगत की पेड़ा चार, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक चेतर, एक चेत नो राजे बिक्रमाजीत दा जन्म होया सी, बिक्रमी संमत। ये जी बिक्रमी साल है, साल ते परमात्मा ने बनाए ने, गल खत्म। बिक्रमाजीत दा जन्म होया सी। सारा अहले इस्लाम एक जनवरी नो नवा साल नहीं मनता, तुसी किसे अरब देश देश नहीं देखोगे। 22-23 देश ने इस्लामी, एक देश भी नहीं मनता। उन्हां दा हिजरी संमत है, जिस दिन मुहम्मद साहब ने हिजरत की थी, उस दिन तो उस समय की गिनती करते ने, उन्हों कहते हैं हिजरी संमत। इसी तरीके नाल बाकी कौमां दे भी अपने अपने संमत बनाए हुए ने, और वो अपने अवतार दे जन्मदिन नाल, या अपने खास व्यक्ति दे जन्मदिन नाल, या किसी खास कौम की घटना नाल। नवा साल ते उस दिन आरंभ होंदा जिस दिन नवा दिन से, ते नवा दिन जिस दिन आरंभ होया, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सब कल्पना ही कल्पना, कपोल कल्पना। थित वार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई, जाकर ता सिर टीको साजे आपे जाने सोई। हजरत ईसा जिस दी इतनी वड्डी उम्मत है, बड़ा भारी प्रभाव है, कुछ मनोचिंतक ते मनदे ने, बाहर दे रूप रेखा दे च भावें कोई हिंदू दिखाई देंदा, जैनी दिखाई देंदा, बोधी दिखाई देंदा, सिख दिखाई देंदा, बहुता दे सब क्रिश्चन ही ने। उन्हां दे रस्मों रिवाज, बच्चे दा जन्मदिन मनाना है, केक कटो, मोमबत्तियां फूको या जलाओ, ये सब ईसाई रस्मां ने। भाषा, पहरावा, तमीज और तमदन, कल्चर, सब दे ते ईसाइयत चाहिए हुई है, सब ते चाहिए हुई है। विद्वान कहने की होया, जैनी है, बोधी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। ईसा कहंदा है, अगर कोई मैनू ये आखे कि एक उठ सोई दे नके विचों लंघ गया, लंघ गया, कहिंदा मैं मन लवांगा, मैं किंतु परंतु नहीं करांगा, मैं शक शुबा नहीं करांगा, मैनू किसे प्रकार दा शक नहीं होवेगा, मैं तस्लीम कर लवांगा। हो गया होवेगा, हो गया होवेगा, शायद इतना छोटा उठ होवे, ये कोई सुई दा नक्का इतना वड्डा होवे, चलो मैं मन लवांगा। ईसा दे ए बोल, हैरानगी हुई, क्यों क्यों? धनवान बार मुखी आंदा है, उदी मनोबिरति, उदी दिमागी शक्ति, उदी शरीरक शक्ति, सब बार उलझी हुई आंदी, अंतर्मुखी आंदा ही नहीं।
ते अंतर्मुखी होए बिना धार्मिक होना औख है, अंतर्मुखी होए बिना परमात्मा दे नेड़े जाना औख है, क्योंकि परमात्मा नूं कित्थों लभांगे, सागर दे चों, जमीन दे चों, आसमान दे चों, सूरज चंद तारियां दे चों, नहीं अपने विचों। नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम, जो अपने नेड़े नहीं ते अपने विच प्रवेश ही नहीं कीता, एक किस तरह धार्मिक होवेगा। जेड़ा मनुख गुस्ताखी माफ, मैं बार बार माफ़ी मंग लवां, महापुरखां दे बोल ने थोड़े सामने रख रहे हैं, जेड़ा मनुख जितना बार मुखी होवेगा उतना ही अधार्मिक होवेगा, उतना ही अधार्मिक होवेगा, उतना ही संसारी होवेगा, या नाल कह दो उतना ही हंकारी होवेगा। जेड़ा मनुख अपने नेड़े होवेगा उतना ही वह परमात्मा दे नेड़े होवेगा। जेड़ा मनुख अपने अंदर प्रवेश कर गया है उन्हें तो परमात्मा का द्वार खटखटा देता है। धर्मा देठा डे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार, ए प्रभु अपना दरवाजा खोल। हूँ यदा मतलब कबीर कह रहे हैं, मैं अंतर्मुखी हो गया, सारों पासे सिमट के मैं अपने अंदर आ गया, हूँ ये दरवाजा मैं नहीं खोल सकता, मैं तेरे दर तक ते पहुँच सकता, तेरा दर खोल नहीं सकता, ये दर तू आप खोल। धर्मा दे ठां डे दरबार, धर्मा दे मैं तेरे दर ते खड़ा, आ गया तेरे दर ते, बड़ी वड्डी गल है। तो किस तरह मन लईए कबीर, तू पहुँच गया परमात्मा दे दर ते, किसी मंदिर दे च पहुँच गया, मस्जिद दे च पहुँच गया, गुरुद्वारे पहुँच गया, गुरुद्वारे दे बूए ते पहुँच गया, किसी मंदिर दे दरवाजे ते पहुँच गया, किसी मस्जिद दे, किसी चर्च के दरवाजे दे नहीं, अपने जीवन के द्वार से पहुंच गए, अंतर्मुखी। हो सके किसी वक्त मैं खोलांगा, महाराज ने दर की व्याख्या भी की है, जित दर वसें रामकली मल्ला पहला, जित दर वसें कवन दर कहिए, जिथे तू रहना है वह दर कित्थे, उस दर नू की आखदे ने, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कवन लए, ये जो भीतर है अंदर है दरवाजा, बाहर दा नहीं है, इस अंदर दे दरवाजे तक कौन पहुंचे है, इस भीतर दे दर तक कौन पहुंचे है। अंतर्मुखी हर मनुख नहीं आता, जितनी लाइफ बिजी हो जाए मसरूफ हो जाए उतना ही बार मुखी आता है। कला संगीत कविता नृत संगत राशि, तरह तरह की कला का जन्म इसनों उन्हां लोगों ने दिता है जो थोड़े जे अपने नेड़े आए, तो जिन्होंने समा कढ़िया अपने आप दे नेड़े आने का। तो धर्म का जन्म तो उन्हां दे अंदर होया जो बिल्कुल अपने अंदर प्रवेश कर गए, अपने अंदर प्रवेश कर गए। दो शब्द मैनू कह देना, जितना बाहर मुखी मनुख होगा उतना ही अधार्मिक, कुछ भी समझ नहीं होगा। अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा की महक का पता चलता है, अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा के नूर का पता चलता है, अपने नेड़े आके कोई परमात्मा के गीत नाद का पता चलता है, अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा दे रस का पता चलता है, कोई रस है, कोई नाद है, कोई रूप है, कोई रंग है, ऐसा रंग जो आकार नहीं रखता फिर भी रंग है, ऐसा रूप जो आकार नहीं रखता फिर भी अनुपम है, अरूप है अनूप है कलगीधर पातशाह, कोई रूप नहीं तेरा फिर भी तू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो पहली हो गई, जब आकार ही नहीं है तो तू सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अरूप है अनूप है, इस चीज़ का पता कदों चल रहा है, जब मनुख थोड़ा जहा अपने नेड़े आंदा। तो मैं फिर दोहरा देवा, एक मनुख जितना पदार्थ दे नेड़े है अपने नेड़े नहीं, पदार्थों बारे बहुत कुछ जानता है, एक विज्ञानक बहुत कुछ जानता है,
मनुख जितना परिवार के नेड़े अपने नेड़े नहीं, परिवार बारे बहुत कुछ जानता, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। एक मनुख जितना पत्नी के नेड़े है अपने नेड़े नहीं है, पत्नी बारे बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। अप तन का जो करे विचार तिस जम कंकर नहीं करे ख्वार। मनुख इतना बार मुखी क्यों हो गया? धार्मिक मनोविज्ञान कहिंदा है बार जो ये पदार्थ दा जगत है इनू अपने अनुकूल करना है, हवा नू अपने अनुकूल करना है, पानी नू अपने अनुकूल करना है, धरती नू अपने अनुकूल करना है, अग्नि नू अपने अनुकूल करना है। जो मेरे अनुकूल नहीं है उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। मैं बंदे नू अपने अनुकूल करना, मैं हुक्म कीता तो उन्हें मनना पै, मनना। एको ही मनुख हुक्म मनता है, बाकी नहीं, वह नौकर है। सारा देश हुक्म मनता है, हुक्मरान है, हुक्मरान है, ये राजा है, ये बादशाह है। अजय मेरा हुक्म सिर्फ एको ही बंदे ते चलता है, जो मेरा मुलाजम है, जो मेरा नौकर है। अंदर पीड़ा रहती है इस ते मेरा हुक्म चलता है, बाकियां ते नहीं, बाकी नहीं मनते। हुक्मरानी का जन्म इत्थों होया। मैं सिर्फ पदार्थ नूं ही अपने अनुकूल नहीं करना, सिर्फ हवा ते पानी नूं ही अपने अनुकूल नहीं करना, मैं मनुखां नूं भी अपने अनुकूल करना। धर्म का जन्म उन्हां लोकां ने उसनों जन्म दिता ते इस समझ नूं जन्म दिता कि जितने चिर तक मनुख अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल नहीं करदा, परमात्मा तो आनंद नहीं ले सकेगा। जितने चिर तक मनुख पदार्थां नूं अपने अनुकूल नहीं कर सकता, पदार्थां तो सुख नहीं ले सकता, जिन्ने चिर तक अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल नहीं करेगा, आनंद नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। किवें अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल करिए, इह मैं कल तुहाडे सामने खोलण दी निवाणी कोशिश कर करांगा। इन्हां पंक्तियां नूं आधार बना के गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो और हर कथा निराली। नहीं तो हंकार दा एक बीज नहीं है। मैं दोवें पंक्तियां आप नूं सरवण करावां ते समाप्ति। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। ज्ञान ते इस वास्ते सी भगवान दे नेड़े जाइए, ज्ञान ते इस वास्ते सी निरंकार दे नेड़े जाइए। ज्ञान हंकार दे नेड़े लेके चला गया। गुस्ताखी माव जितना वड्डा ज्ञानी उतना वड्डा हंकारी, मैं ऐसा देखे। हंकार नू टिकन वास्ते ज्ञान चाहिदा, अज्ञान दे आसरे ते हंकार नहीं खड़ा होंदा। दान दे आसरे ते हंकार खड़ा होंदा, चोरी दे आसरे ते नहीं। एक मनुख कह सकता है मैं माड़ा मोटा दानी नहीं, बहुत वड्डा दानी हाँ। भरी महफिल दे किस तरह कह सकता है मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ, किवें कहेगा? चोरी ते हंकार की खड़ा होएगा, दान ते हंकार खड़ा होएगा। ये भी मैं अर्ज कर सकता। इसी तरीके नाल गिणती करते जाना, गुणा दे उत्ते हंकार अपनी यात्रा करता है। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। ए बुद्ध कबे ना नासी, कह रवदास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। बौरे कहने पागल नो, सारा जगत पागल है। जिस अग्नि दे नाल दीवा जला के घर नू रोशन करना चाहिदा है, उस अग नाल अपने घर नू फूक दे पै। जिस ज्ञान करके भगवान नू प्राप्त करना चाहिदा सी निरंकार नू, इते हंकार नू जन्म दे रहे, इते अग नाल अपना घर साड़ दे पैण। दान तो हंकार, सेवा तो हंकार, और इसे तरीके दे नाल कविता तो हंकार, पंडताई तो हंकार, सेवा तो हंकार। हद हो गई, एक बीज नहीं है इस हंकार का। हंकार दे हजारा बीज ने, और हजारा बीजा तो पैदा होंदा है। प्रकृति ने हर फल का बीज एक बनाया है, लेकिन हंकार दे हजारा बीज ने।